दोस्तों, मेरे चाचा अपने समय में काफ़ी आवारा हुआ करते थे। दिन भर दोस्तों के साथ घूमते रहते थे और रात 12-1 बजे से पहले वो कभी घर नहीं आते थे। घर वाले उनसे काफ़ी परेशान रहते थे, मगर उन पर समझाने का कोई असर ना पड़ता था। और दोस्तों, एक रात वो अपने दोस्त के साथ नदी के किनारे घूम रहे थे। वहाँ एक अघोरी बाबा रहते थे। चाचा और उनके दोस्त उन्हें छेड़ने के मकसद से उनके पास गए। उन्होंने पहले तो उनके साथ बैठ के शराब पीकर इधर उधर की बातें करी। उन्होंने परेशान करने लगे। बातें बातों में भूत का विष छिड़ गया। चाचा ने बाबा से भूत देखने को कहा। पहले तो बाबा टालते रहे, मगर चाचा अड़े रहे तो बाबा राजी हो गए। उन्होंने उनके चारों तरफ एक गोल दायरा बनाया और कहा, चाहे जो भी हो जाए, तुम लोग बाहर मत जाना, वरना तुम लोग अपनी खुद की जिम्मेदारी पर होगे। और इतना कहकर उस अघोरी बाबा ने मंत्र जपना शुरू किया। चाचा और उनके दोस्त उस समय मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनको ये मजाक लग रहा था। अचानक छम छम की आवाज़ आई और एक औरत यानी चुड़ैल वहाँ आकर नाचने लगी। उसके बाद अचानक दो और चुड़ैलें वहाँ आ गई और वो भी नाचने लगी। ये देख चाचा और उनके दोस्त की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। दोनों का नशा एक पल में गायब हो गया। वो दोनों डर के मारे वहाँ से भागने लगे, मगर नाचती चुड़ैलों ने अपना नाच छेड़कर उनके घेर लिया और उनके चारों ओर घूमने लगी। वो उनकी तरफ बहुत ही भयानक तरह से देख रही थी, जैसे वो उन्हें वहाँ बुलाए जाने से नाराज़ हो गई हो। इतनी बदसूरत चुड़ैलों को देखकर चाचा और उनके तो होश उड़ गए और वो दोनों कांपने लगे और उन लोगों के पसीना आने लगा। ये दोनों वहीं पर बेहोश हो गए। सुबह जब होश आया तो वहाँ सिर्फ अघोरी बाबा ही थे। उन्होंने उन चुड़ैलों के बारे में पूछा तो बाबा ने बताया कि मैंने उन चुड़ैलों को भगा दिया है। फिर चाचा और उनके दोस्त अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुए और अघोरी बाबा से माफ़ी मांगने लगे। फिर चाचा और उनके दोस्त दोनों ने बाबा के पैर छुए और वहाँ से भाग गए। उस दिन के बाद से चाचा ने रात को देर से आना बंद कर दिया, क्योंकि उन चुड़ैलों को देखकर चाचा और उनके दोस्त की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। उस दिन से चाचा एकदम सुधर गए और चाचा बहुत देर रात तक नहीं आते थे, जल्द ही आ जाते थे घर वापस। फिर उन लोगों ने कहा कि आज के बाद से हम लोग ऐसा बेहुदा मजाक नहीं करेंगे। शुक्रिया तो उस अघोरी बाबा का था जिसने हमें उन चुड़ैलों से बचा लिया था। फिर उसके बाद से चाचा और उनके दोस्त सुधर गए और फिर वो दोनों अपने काम में लग गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, चलिए दूसरी कहानी की ओर चलते हैं, जिसमें हम जानने वाले हैं एक सरकटी लाश के बारे में। दोस्तों, कहने को तो हम 2023 एक आधुनिक युग में जी रहे हैं, जहां सिर्फ विज्ञान की बात होती है। यहां भूत प्रेत की बात करना अंधविश्वास कहलाता है। मैं भी ऐसा ही सोचता था, मगर एक हादसे के बाद मेरी सोच थोड़ी बदल गई। जून की गर्मी के कारण सबका जीना मुहाल था। हम सब कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल गए थे, वहाँ जहाँ मेरी कुछ अच्छी यादें जुड़ी हुई थीं, मगर इस बार ऐसा नहीं था। मैंने जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। गांव में एक
कटे सर के आदमी के दिखने की अफवाह फैली हुई थी। जैसे ही मेरे कानों में ये अफवाह आई तो मैंने समझा, पता नहीं यार ये गांव में कैसे कैसे लोग हैं जो बिला मुफ्त की बातें फैलाते रहते हैं। फिर मैंने इन सब अफवाह बातों और उस सरकटी लाश पर विश्वास नहीं किया। एक दिन दोपहर को नहर के किनारे बैठा था, गर्मी में ठंडी हवा के झोंकों का अलग ही मज़ा था। मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी और देखते ही देखते मैं नींद की वादी में चला गया। तभी कोई मेरे पास आकर बैठ गया और बातें करने लगा। मैं भी आधी नींद में उससे बातें करने लगा। बातों बातों में उसने मेरा अतीत बता डाला और सिर्फ जब मैंने उसे देखा तो मेरी सांस ही रुक गई और मेरे चेहरे पर पसीना आ गया और मैं डर से कांपने लगा। मैंने देखा कि मेरे पास सरकटी लाश बैठी हुई है। उसका सर नहीं था। एक पल में मेरी सारी नींद उसको देखकर उड़ गई और वो आदमी भी उसी वक्त गायब हो गया। फिर उसके बाद मैं वही आदमी को देखकर बेहोश हो गया और सोचने लगा कि ये आखिर क्या था जिसका मुंडी नहीं थी और सिर्फ धड़ ही धड़ था। ये सब सोचते सोचते मैं बेहोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं वहाँ से भागकर सीधा घर आ गया। उस दिन मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई। जो मैंने देखा शायद वो मेरा सपना ही हो सकता है क्योंकि मैं आधी नींद में था। मगर जब भी वो घटना याद आती है मेरी रूह कांप जाती है और मैं ये सोचने लगता हूँ कि आखिर वो क्या चीज़ था जो मेरे बिल्कुल सामने आकर बैठ गया, जिसके सर पर सर नहीं था, मुंडी नहीं थी और सिर्फ धड़ ही धड़ था। तो क्या वो कोई भूत या फिर चुड़ैल या फिर आत्मा थी? पता नहीं। फिर मुझे भी इन भूत प्रेत चुड़ैलों पर विश्वास हो गया। उसके बाद से मैंने फिर कभी इन भूत प्रेत चुड़ैलों पर मजाक नहीं उड़ाया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यह भी आप लोग बताएं कि जो मैंने वो आदमी को देखा था तो आप लोग बताएं कि वो क्या चीज़ था, या कोई भूत था या फिर चुड़ैल थी, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मज़ीद इसी तरह की खौफनाक वीडियो कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।